Hello everyone, my name is CA Puneet Jaju. Welcome to Wealthy's YouTube channel. और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे हम सबका फेवरेट स्टॉक वो कौन सा है दोस्तों आईटीसी लिमिटेड। दोस्तों आईटीसी लिमिटेड ने बुल रन में पिछले दो साल में बिल्कुल भी रिटर्न्स नहीं दिए हैं और जब मार्केट ऑलमोस्ट बेयर टेरिटरी में है कितना स्ट्रॉन्ग करेक्शन है तब आईटीसी ने कितने अच्छे रिटर्न्स देने शुरू किए हैं तो इसकी क्या वजह है दोस्तों। स्टॉक दोस्तों शानदार स्टॉक है, पहले भी था आज भी था, तो पहले क्यों नहीं रिटर्न्स दिए और अब क्यों देना शुरू कर रहा है जब सभी स्टॉक्स में आप देख रहे हैं करेक्शन है। अच्छे अच्छे स्टॉक्स चाहे वो TCS हो या इंफोसिस हो सभी में करेक्शन है लेकिन आईटीसी अब 52 वीक हाई पे पहुंचने लगा है, पहुंच गया है और भी स्ट्रॉन्ग आगे रिटर्न्स देने की पूरी काबिलियत रखता है। तो आईटीसी में दोस्तों ऐसा क्या हुआ है पिछले कुछ महीनों में कि पूरा का पूरा यहाँ पे गेम चेंज हो गया है यहाँ पे। दोस्तों आते हैं आप आईटीसी के बारे में और दोस्तों आईटीसी ने अभी रिसेंटली ही अपने क्वार्टरली और एनुअल नंबर्स रिलीज किए हैं। ये देखिए 18th मई का लेटर है आपके सामने जो आईटीसी ने लिखा है स्टॉक एक्सचेंजेस को NSE, BSE एज वेल एज कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ यहाँ पे और भी जो इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए हम उस पर आते हैं। और ये देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यहाँ पे रिकमेंड किया है फाइनल डिविडेंड, क्योंकि ये दोस्तों फाइनल डिविडेंड है तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं और उसके बाद ये एनुअल जनरल मीटिंग में जाता है अप्रूवल के लिए और वहाँ से जब अप्रूव हो जाता है तब इसकी पेमेंट होती है। तो 6.25 रुपये का यहाँ पे फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया गया है, उससे पहले इंटरिम डिविडेंड था 5.25 रुपये का। तो आप देख सकते हैं 11.5 रुपये का टोटल यहाँ पे एनुअल डिविडेंड हो जाता है। तो डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छी है, आप करंट जो स्टॉक प्राइस है उससे देखें तो 11.5 रुपये का जो डिविडेंड है वो काफ़ी अच्छी डिविडेंड यील्ड देता है। और फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं तो लेकिन सेविंग बैंक्स के जो इंटरेस्ट है उससे तो ज़्यादा ये आराम से देता ही है। तो यहाँ पे कोई नुकसान ही नहीं है दोस्तों, डेट फ्री कंपनी है। मैं आपको थोड़ा सा और इसका फंडामेंटल्स बताता हूँ फिर मैं यहाँ पे जो डिटेल्स हैं आईटीसी के बारे में उसके ऊपर आते हैं। देखिए करंटली 274 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा है तो इस हिसाब से डिविडेंड यील्ड हो जाता है लगभग 4% से ज़्यादा इसका डिविडेंड यील्ड है, काफ़ी सॉलिड डिविडेंड। के अलावा ये डेट फ्री कंपनी है, सिर्फ 250 करोड़ रुपये का डेट है तो अगर आप कैलकुलेट करें यहाँ पे 337 करोड़ रुपये का मार्केट कैप है। तो डेट टू इक्विटी जो रेशो है यहाँ पे ये डेसिमल्स में आता है तो डेट इक्विटी रेशो 0 है और इससे पहले सिर्फ 13 करोड़ रुपये, तो सिर्फ नाम मात्र का डेट है कंपनी की बैलेंस शीट में। और स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ के से ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा अच्छा है तो ऑपरेटिंग लेवरेज का यहाँ पे फायदा मिल रहा है कंपनी को पूरी तरीके से। यहाँ पे आईटीसी लिमिटेड दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स में हैं, जो ऑफ कोर्स हम जो मेन सेक्टर है इसका जो कैश काउ है वो है सिगरेट सेक्टर, जहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो आता है कंपनी का। ये देखिए कैश फ्लो में अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है हर साल यहाँ पे। पिछले 10-11 सालों से आप देखें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 5,500 करोड़ रुपए का जो था अब वो बढ़कर हो गया है 15,000 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे कंपनी को जो है वर्किंग कैपिटल के जस्ट फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री या डेटर्स उसमें कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है वो ज़्यादा टाई अप नहीं होता है या टाइड अप नहीं रहता है उसमें, क्योंकि कंपनी की रिकवरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इन्वेंट्रीज पे बहुत सॉलिड कंट्रोल है कंपनी का। और दोस्तों मैं इस क्वार्टर के परफॉर्मेंस हाइलाइट के बारे में बातचीत करूं तो देखिए सभी सेक्टर चाहे वो FMCG हो या फिर सिगरेट या फिर एग्री बिजनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नंबर्स या परफॉर्मेंस है, रेजिलिएंट परफॉर्मेंस इन FMCG सेगमेंट। यहाँ पे Q4 रेवेन्यू अप 12.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस ऑन ए रिलेटिवली हाई बेस। ये हाई बेस दोस्तों हाई बेस लो बेस का फंडा जो है समझना जरूरी है। अगर हाई बेस पे अगर अच्छी ग्रोथ है तो इसका मतलब कंपनी ने वाकई में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अगर लोअर बेस पे ग्रोथ आना तो दोस्तों यहाँ पे जनरली एक्सेप्टेबल माना जाता है और कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट नहीं, लेकिन हाई बेस पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंडेबल ग्रोथ मानी जाती है। और ये देखिए क्योंकि अब स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं तो इसकी वजह से स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है कंपनी के जो स्टेशनरी सेगमेंट है जो पेपर सेगमेंट है। और ब्रॉड बेस्ड रिकवरी है सिगरेट सेगमेंट में डिस्पाइट डिस्रप्शन ड्यू टू द थर्ड वेव और वॉल्यूम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं प्री पेंडेमिक लेवल के। और एग्री बिजनेस यहाँ पे बहुत सॉलिड ग्रोथ आई है 29% ईयर ऑन ईयर बेसिस ड्रिवन बाय वीट राइस लीफ टोबैको एक्सपोर्ट्स यहाँ पे। और आपने मीडिया में ऑफकोर्स सुना ही होगा कि कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रिगार्डिंग वीट सभी जगह पूरे पॉलिटिकल लेवल पे
कितना स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक एफर्ट्स चल रहे हैं टू बूस्ट सप्लाई ऑफ वीट। और ITC ने दोस्तों पिछले बहुत सारे सालों से फार्मर्स के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बनाई है, ई चौपाल खोले हैं और उसकी वजह से कंपनी का जो सोर्सिंग है काफ़ी सॉलिड है और उसको बेनिफिट मिल रहा है कंपनी को उन्हीं चीज़ों का। और एग्री के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे होटल बिजनेस वो भी बहुत सॉलिड रहा है क्योंकि थर्ड वेव के बाद जब इकोनॉमी ओपन हुई थी तो उसके बाद से क्योंकि पेंट अप डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी ट्रैवल की, टूरिज्म की, बिजनेस ट्रैवल भी अब काफ़ी तेज़ी से खुल गया है। तो और कंपनी ने ड्यूरिंग लॉकडाउन काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव्स लिए थे फॉर कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रैशनलाइजेशन और उसी की वजह से होटल बिजनेस ने भी अभी सॉलिड टर्न अराउंड परफॉर्मेंस दी है ITC के होटल बिजनेस ने भी। तो डिस्पाइट चैलेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट जो एंटायर ईयर की परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सॉलिड रही है कंपनी की सभी बिजनेस डिविजन्स को मिला के। ये देखिए टेबुलर फॉर्मेट में आप कंपेयर करें रिजल्ट्स कंपनी के मार्च 2022 में 16,556 करोड़ रुपए का स्ट्रॉन्ग टर्नओवर है, हालांकि थोड़ा सा कम है लास्ट क्वार्टर से, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्ट्रॉन्ग जंप यहाँ पे देखा जाएगा क्योंकि एग्री कमोडिटीज एग्री सेक्टर में भी है कंपनी, इसी वजह से यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन करना सही नहीं रहेगा क्योंकि कुछ एग्री कमोडिटीज किसी क्वार्टर में आते हैं कुछ नेक्स्ट में आते हैं, तो इसी वजह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा रेलिवेंट रहेगी इन केस ऑफ ITC। और आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना शानदार तरीके से इंक्रीज हो गया है, 4,800 से 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,000 करोड़ से बढ़कर 5,620 करोड़ रुपए, नेट प्रॉफिट 3,700 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,196 करोड़ रुपए, स्ट्रॉन्ग जंप है, ऑलराउंड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है कंपनी की इस क्वार्टर में। तो दोस्तों मैं समझता हूं ये स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म बेसिस पे काफी स्ट्रॉन्ग वैल्यू क्रिएट कर सकता है। देखिए पी मल्टीपल यहाँ पे 22.91 का है जो मैं समझता हूँ कि FMCG कंपनी में अगर आप देखें हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, नेस्ले हो गया, कोलगेट हो गया, उनकी तो दोस्तों यहाँ पे 50 प्लस है, कोलगेट की 40 है, हिंदुस्तान यूनिलीवर की 55 है, जिलेट की अराउंड 50 है, तो डिपेंड करता है दोस्तों हर एक कंपनी का, लेकिन 22 की पी मल्टीपल तो किसी की भी नहीं है दोस्तों यहाँ पे। और अब ITC क्योंकि एक कंग्लोमरेट है तो यहाँ पे सभी चीज़ों का मिला जुला के यहाँ पे जो है 22.91 की पी मल्टीपल, क्योंकि होटल सेगमेंट की वैल्यूएशन अलग होती है, FMCG की अलग होती है, पेपर सेगमेंट की अलग, तो इसी वजह से यहाँ पे जो डीमर्जर की जो बात है वो जब भी कभी भी न्यूज़पेपर में आती है उसके बाद ITC के शेयर में एक नई चाल देखने को मिलती है क्योंकि सभी को एक उम्मीद है कि कभी ना कभी कंपनी वैल्यू अनलॉक करेगी अपने बिजनेस को डीमर्ज करके, लेकिन ये कब होगा, होगा भी नहीं होगा ऑफ कोर्स नो वन नोज, लेकिन शेयर होल्डर में ये एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ एक्साइटमेंट रहता है जब भी इस तरह की न्यूज़ आती है मीडिया में। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, फंडामेंटल्स बहुत सॉलिड हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, फ्यूचर आउटलुक भी ब्राइट है, तो इसको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा सकता है। और दोस्तों जाने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें और नेक्स्ट टाइम एक और ऐसे ही वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आपसे फिर से मुलाकात होगी। वैसे जब हेल्थ की बात आती है तब डॉक्टर की याद आती है, लेकिन जब वेल्थ की बात आती है तब किसकी याद आती है? फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो क्या आप? अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो क्या आप? CA, स्टॉक ब्रोकर, LIC एजेंट, बैंकर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न करना चाहते हो तो आप बन सकते हो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर, जहां आपको मिलेंगे 150 प्लस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, टाइमली पेआउट्स, ट्रेनिंग और फुल सपोर्ट। तो सोचो मत, बस डिस्क्रिप्शन पे जाओ और ऐप को डाउनलोड करो और हाँ, यहाँ आपको मिलेगा 1000 रुपीस का बोनस भी ऑन योर फर्स्ट सेल इन द ऐप। सो थिंक वेल्दी, गेट वेल्दी। थैंक यू।